नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटा सा जो है क्लिप आपको दे रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा सुंदर सा गीत है, तेरी बेवफाई को बुलाना सकेंगे अपना किसी, इस पर जो है रामचरित मानस भी आप जो है गा सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो हमारे पर्सनल सीखने वाले हैं, जिनके लिए पर्सनल नंबर मिला है, वो इसे देख कर वीडियो को और हमारे पास अपना वीडियो बनाकर भेजें, जिससे ये पता चले कि हाँ तुम्हारा सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो हमारे वैसे सीखने वाले हैं, जो लोग क्लास पैसे नहीं देकर सीखना चाहते हैं, तो जो है वो लोग जो है हमारे जो जनरल व्हाट्सअप है उस पर डाल दें, हम समय मिलते ही रिप्लाई वहाँ पर भी देते हैं। तो आ जाइए, आप लोगों को वही चीज़ अब बता रहे हैं। इस यानी कि हमने 1 2 3 4 चौथी काली से इस गीत को हम बजाएंगे, ठीक है। चौथी काली से बजाने के बाद में क्या करेंगे, इसी को हम अपनी जो है वैसे तो जो है यहाँ से जोड़ें 1 2 3 4 और ये चीज़ सेम होती है, ठीक है। जिनके पास सिंगल लीड की हारमोनियम है वो यहाँ से गाएंगे, जिनके पास डबल लीड की अर्थात जो है खरज की हारमोनियम है या फोर लाइन की हारमोनियम, तो वो लोग यहाँ से बजा सकते हैं, ठीक है। वो दोनों जैसे चाहो तैसे बजा सकते हो, अर्थात चौथी जहाँ से हमने सारे गामा कंप्लीट करवाया है वहीं से मैं बता रहा हूँ। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। ये मुखड़ा हो गया, ठीक है, इससे पहले समझ लीजिए, इसे समझिए, मुखड़ा हो गया कि तेरी बे कंप्लीट यानी कि सा और हमारा कोमर रे, तेरी बेवफाई को सारे 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 करना है, अर्थात कोमर रे लेकर तेरी बेवफाई को बुलाना। फिर जब बुलाना आएगा ना, तो हमारा इससे यानी कि सा से कोमल गा पर जाएगा, ठीक है, सा से कोमल गा पर। दोबारा से समझिए, तेरी बेवफाई को बुलाना सकेंगे। अब जब हमें सा गा करते हुए फिर हमें को सा और रे रे कर जो है हमें कोमल नी पर आना है, ठीक है, कोमल नी पर आना है। दोबारा से देखिए, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। अब इससे ऊपर की उठान देखिए, रोती रहेंगी मेरी फिजा उठती रहेंगी, इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना, ठीक है। अब समझिए उठान कैसे उठी, रोती रहेंगी, तो हमको जो सा हमें मा पा मा और कोमल दा, ठीक है, ये चीज को करना है, समझिए। दोबारा से पूरा समझ लीजिए, हमको माँ और गा रोती रहेंगी, तो हमारा ये सा सॉरी माँ गा माँ पा, ठीक है, ये करना है हमको। फिर हमको पा माँ पा मा पा और धा कोमल धा, फिर हमको पा के बाद में कोमल नी और नी के बाद में हमको फिर कोमल धा, फिर पा, फिर हमको जो है गा पर कोमल रे और गा करते हुए यानी गा रे सॉरी रे और गा रे और सा नी और फिर नी के बाद में हमारा कोमल रे फिर सा, ठीक है। पूरा पैटर्न जो है इसी तरीके से हमारा चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और हो सकता है फिल्मी और सब तरीके अलग अलग तरीके से लोग बजाते हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है हम इसी पर गाते हैं इसी तरीके से, इसलिए इस तरीका हम बता रहे हैं। अब फिल्मी में अगर थोड़ा इसमें डिफरेंस बजाने में हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो है फिल्मी गाने तुमको नहीं गाना है, तुमको तो रामचरितमानस गानी है, तो या फिर आप जो है फिल्मी गाना भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदों को
तो रामचरितमानस को हमको इस पर बहुत अच्छी निकलती है, कहने का मतलब मेरा ये था। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा।